स्टूडेंट, अब हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे 2.7 के ऊपर। जो 2.7 है ना, वो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करना है वो अकॉर्डिंग टू ग्राफ करना है, याद रखें। किस तरह ग्राफ है, जैसे कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ को कंसर्न किया था। मैं स्टेटमेंट पूरी पढ़ता हूँ तो फिर उसके लिहाज से आपको बताता जाता हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, कहते एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से। देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये बनाई हुई मैंने स्पीड, ठीक है, और ये मैंने दिया हुआ है टाइम, ठीक है। देखिए मैंने मेंशन किया है टाइम इन मिनट्स एंड स्पीड इन अ किलोमीटर पर आवर। कहते एक ट्रेन स्टार्ट करती है, ठीक है, वो इन अ टू मिनट्स, ये वन मिनट ये टू मिनट, कहते हैं टू मिनट्स में वो कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है, ठीक है। कहते हैं इट इफ ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ फॉर 5 मिनट्स, कहते हैं इसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट क्या करती है, मूव करती है। ये टोटली यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स हैं, तो ये 2 के अंदर 5 मिनट जब आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने मैंशन की, कहता है तो उस 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जब मूव कर रहा है वो 5 मिनट तक मुसलसल मूव करता रहता है। कहता है फाइनली मूव विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इसलिए बात कर रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट्स स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, कहते हैं 3 मिनट्स के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। पहले 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने अटेन की, फिर उसी स्पीड के साथ वो 5 मिनट तक मूव करता रहा, 7 मिनट्स हो गए। कहते फिर 3 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो गई, यानी वो अपनी इनिशियल स्पीड पर आ गया। तो ये टोटल जो उसको टाइम लगा स्टार्ट करके एंडिंग तक आने में 10 मिनट्स लगे, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, यानी कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट पर गई, ओ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट पर गई, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई। ये टोटल अंडर ग्राफ जो ये शेडेड एरिया है बेटा स्टूडेंट्स, हमने इसमें जो ट्रेन मूव कर रही है इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने ट्रेन ने जो की है वो मालूम करना है, तो वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ओ ए बी सी। ये जो डायग्राम है इन ज्योमेट्रिकल शेप, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपिज्म कहते हैं, ठीक है। ट्रेपिज्म का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, ये है पैरेलल साइड, ये 10 मिनट्स और ये 5 मिनट्स, ये दोनों इसकी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। इनटू हाइट, ये इसकी हाइट है, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर जो हमने इसकी हाइट क्या की है डाटा के अंदर क्या की है बताई गई हुई। तो 1/2, ठीक है, 10+5, क्योंकि मैंने बताया पैरेलल साइड्स क्या हैं, 10+5 है, मिनट्स मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी, 48 किलोमीटर पर आवर। यूनिट में साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने यूनिट की कन्वर्जन करनी। 1/2 15 मल्टीप्लाई बाय 60, देखिए 10+5 कितने हो गए, 15, तो मैंने मिनट्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया है, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया है, तो क्या 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 48, किलो की जगह मैंने 1000 पुट कर दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3600, यानी कि 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब 1500 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, 1900 आ गया, ठीक है। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 415 सेकंड आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमने कन्वर्जन की तो 13.3333 आया, इसको 450 के साथ बच्चे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो वी गेट आंसर 6000 मीटर। याद रखें पॉइंट्स के बाद जो 33 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है इसको आप डायरेक्ट 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर तब जाकर 6000 निकलेगा, नहीं तो 59999 क्या होगा आपका आंसर निकलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 ही होगा, ठीक है जी। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं 2.8 की तरफ। कहते हैं अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकल अपवर्ड, कहते हैं बॉल जो सा किया गया हिट किया गया वर्टिकल अपवर्ड किया गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है तो जी उसका क्या होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये स्टेटमेंट होती है ना यही हमें काफ़ी हद तक चीज़ों को डाटा को क्या कर देती है, क्लियर करती है। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, ठीक है, अपवर्ड। तो जब इसको स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हमने पिछला भी न्यूमेरिकल में बात की थी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड, कहता है बॉल नीचे से ऊपर गया वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है, यानी कि टोटल यानी कि 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड ही उसको नीचे आने में लगे, क्योंकि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की है, कोई चीज़ जितनी देर में ऊपर जाती है उतनी ही देर के बाद क्या होती है, नीचे आती है। तो वहाँ पर उसने क्लियरली स्टेटमेंट्स के अंदर कहा है रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड। कहते कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, आपने क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो टोटल टाइम है ना, ठीक है, वो आपका आ जाएगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2,
यानी कि 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 2, तो ईच साइड का टाइम जो आ जाएगा आपके पास 3 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे, 3 सेकंड उसको नीचे आने में लगे, ठीक है। ये इन्होंने कुछ शफलिंग बात की हो तीनों मेडिकल्स के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल का पता चले कि वो स्टेटमेंट को समझ रहा है भी कि नहीं समझ रहा, ठीक है। हम हाइट को पहले मालूम कर लेते हैं, लेकिन हम हाइट को नहीं मालूम कर सकते, हम पहले क्या करते हैं इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, क्योंकि इसमें एक्सलरेशन आ जाता है ग्रेविटेशनल, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ क्या हो गई? जीरो हो गई हमारे पास। वी आई हमने मालूम करनी है, जी की वैल्यू क्या है? -10, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, तो हमारे पास आ गया वी आई -30। माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू क्या जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर होगी बात? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने क्यों मालूम की, किस हमारी इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हमने क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, जिसके अंदर वी आई की वैल्यू हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एच इज इक्वल टू आ गया वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। एच वी आई कितनी निकली? 30 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 3 प्लस 1/2 माइनस 10 3 का स्क्वायर, ठीक है, 90 प्लस 1/2 माइनस 10 इंटू 9, 2 1 2 2 5 10, 90 प्लस माइनस 45, क्योंकि 9 को 5 के साथ माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 हो गया, तो ये आ जाएगा 45 मीटर आ गया, ठीक है जी, हाइट आ गई 45। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास, और क्या आ गई, दोनों चीज़ें जो डिटरमाइन करनी थी वो हमारे पास आ गई, एच क्या आ गई 45 मीटर, ठीक है। आगे हमने करना है 2.9 न्यूमेरिकल के अंदर वो बात करता है, कहता है व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड, कहते जब किसी ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कहते ट्रेन के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की जा रही हैं, डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? सेकंड के अंदर। 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है 26.7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कहता 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। कहता है इन 800 मीटर डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास? 800 मीटर आ गया डिस्टेंस, एस आ गया आपके पास 800 मीटर आ गया। जारी बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो एक्सलरेशन पैदा हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं हाउ मच फर्दर विल बी अ ट्रेन मूव बिफोर रेस्ट कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी अ कॉन्स्टेंट, यानी कि इस सारे फिनोमना के अंदर जो आपके पास एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिटार्डेशन का, सबसे पहले हम वो तो मालूम कर लें वो कौन सा एक्सलरेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है फर्दर जर्नी के बाद। हम पहले एक्सलरेशन मालूम करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, ठीक है। वी एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 13.33 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आई थी 26.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, हमारे पास आता है 177.6889 माइनस 712.89, इसका स्क्वायर ओपन किया डिवाइडेड बाय 1600, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सलरेशन आ जाएगा 0.3345 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने कहा था कि अज्यूम करना है आपका जो एक्सलरेशन है, आपने अज्यूम क्या करना है, आपका जो एक्सलरेशन है वो रिटार्डेशन है, ठीक है।
स्टेटमेंट में कह रहा है हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग रेस्ट, ठीक है। नाउ हम फर्दर जर्नी की तरफ देखते हैं, नाउ फॉर फर्दर जर्नी, ठीक है। अब जो 800 मीटर के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो इनिशियल होगी, क्योंकि वो तो रेस्ट में आ गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये ट्रेन की 8 मीटर तक की वेलोसिटी थी। अब 8 मीटर के बाद वो ट्रेन क्या होगी, रुक गई। जब वो रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 13.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने ज़रा गौर से देखना है कि जब 8 मीटर का फासला तय कर लेता है ना, कहता है फर्दर कि वो फासला जो नेक्स्ट जहाँ तक वो रुक जाता है तब तक वो कितना फासला तय करता है। तो इसका मतलब ये इनिशियल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल हो जाएगी। क्लियर होगी स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आप एक्सेलरेशन जो हमने एज्यूम करना है वो रिटार्डेशन है, माइनस 0.3345 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमने मालूम करना है। तो वही इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमने मालूम करना है, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2as इज इक्वल टू आ गया, वी एफ आपके पास आ गई जीरो, वी आई आपके पास आ गई 13.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.3345। क्लियर हो गया बच्चे, हम अब इनको सारे को माइनस प्लस करके देखते हैं, स्क्वायर ओपनिंग करके देखते हैं इसकी। तो इसका स्क्वायर ओपनिंग करके कैंसिलेशन पॉइंट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 266.6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट आप कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें 2.10 वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2.10 वाले न्यूमेरिकल में, 2.10 का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें वो सेम बात कर रहा है, कहता है इन अबव प्रॉब्लम फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन। कहता है सारा डाटा वही है, ठीक है। ट्रेन जब स्टार्ट हुई 96 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, ऊपर वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब वो स्टार्ट हुई, मैं इसकी कन्वर्जन साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए, 26.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर रुक गई, यानी कि रुक गई जब स्टॉप हो गई, ठीक है, जीरो वी एफ जीरो, तो उसके दरमियान जो एक्सेलरेशन है वो तो हमने मालूम किया हुआ है, वो रिटार्डेशन है 3.343 या 4.5 जो भी आपका निकलता है, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या करना है, टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी, तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। वी एफ आपके पास जीरो आ गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 26.7 डिवाइडेड बाय माइनस 0.3345 इज इक्वल टू टाइम। तो ये आप डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, तो ये माइनस 26.7 डिवाइडेड बाय 0.3345 माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो टाइम आपके पास क्या आ गया, 80 सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सुनिए आता था आपको।